ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की। हल्की बारिश में ही खुली नगर पालिका की पोल, पूरा शहर हुआ जलमग्न, अधिकारियों के आवाज भी नहीं रहे अछूते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान और विकास कार्यों पर कितना ही जोर क्यों नहीं दे रहे हों, लेकिन उसका असर जनपद एटा की नगर पालिका क्षेत्र में नहीं देखने को मिल रहा है। एटा नगर पालिका क्षेत्र में मामूली बारिश में ही कोतवाली नगर और गंज डुडवारा रोड तालाब में तब्दील हो गया है। इतना ही नहीं, अपर जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सदर के आवास भी जलमग्न हो गए हैं। जहां पालिका के विकास कार्यों और ग्रीन एटा क्लीन एटा की पोल खुल गई है और जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे नगर पालिका क्षेत्र में बदहाल स्थिति बनी हुई है। मधुरी जी, यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, इतनी दुकानों में पानी चला गया है, पूरे मार्केट में पानी रहता है और सारा पानी भर जाता है बरसात होती है तो। यहाँ ना सफाई होती है और नालियाँ सब बंद पड़ी हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि अधिकारियों के आवास भी अछूते नहीं हैं, तो आम जनमानस कैसे बच सकता है। नगर पालिका बनी नरक पालिका। यदि हम ये कहें कि एटा नगर पालिका नरक पालिका बन गई है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। एटा नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। नगर पालिका की लापरवाही की वजह से बारिश में जगह जगह जल भराव हो गया है। इतना ही नहीं, लोगों की दुकानों में पानी भर गया है, जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका मुकेश भाई, ये पानी भरा हुआ है, खुली सड़क पे पानी भरा हुआ है, नाली जो है सफाई नहीं हुई है, बीच में जगह जगह नाली को बंद किया गया। अगर इसकी सफाई और रोड़े अटक खत्म हो जाए तो पानी यहाँ का खत्म हो जाए। क्या आपने इससे पहले कोई शिकायत की है कि नगर पालिका में? शिकायत तो यहाँ के मोहल्ले लोग वह करते ही रहते हैं, सुनवाई तो नहीं होती है और उनके ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोतवाली नगर में भी पानी भर गया है और नगर पालिका महिला थाना कोतवाली नगर कचहरी रोड तालाब में तब्दील हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अधिकारियों के आवास परिसर में ही पानी भर गया है, तो और अन्य जगह पर क्यों नहीं भरेगा। क्षेत्रीय लोगों का बीमारी का सता रहा है डर। स्वच्छ भारत अभियान को नगर पालिका एटा प्रशासन पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। नगर पालिका की अनदेखी व जिला प्रशासन के दोहरे रवैये से कॉलोनियों में निवास कर रहे लोग अब गंदगी के ढेरों पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का लोगों में डर सताने लगा है। आलम यह है कि नालियों में पानी भरा पड़ा है, जो साफ सफाई न होने की वजह से अब गलियों में और सड़क पर बढ़ रहा है। वहीं खुले में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कॉलोनियों में निवास कर रहे लोग जिला प्रशासन से लेकर ईओ को शिकायत भी कर रहे हैं, मगर इस ओर जिला प्रशासन व नगर पालिका का कोई ध्यान न देना साफ दर्शाता है। कि केंद्र सरकार की बहुयामी मिशन स्वच्छ भारत अभियान की अनदेखी प्रशासन द्वारा कैसे की जा रही है। क्षेत्रीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। क्षेत्रीय नागरिकों की माने तो नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये बदहाल स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नगर पालिका के सफाई कर्मी कूड़ा उठाने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और ना ही सफाई कर्मी नाले और नाली को साफ करते हैं, जिसकी वजह से ही ये कूड़े के ढेर लग जाते हैं। यही कूड़े के ढेरों में से नाली और नालों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी रुक जाता है और गली और रोड पर पानी भर जाता है। लोगों ने आरोप लगाया है कि इसकी शिकायत हमने कई बार की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एटा से टाइम्स 18 न्यूज के लिए गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट। टाइम्स 18 न्यूज़
टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचे आप तक। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मत